क्यों यहाँ पर विकास नहीं हो रहा, यहाँ पे शिक्षा में विकास नहीं है, ना कोई हाई स्कूल है ढंग का, ना कुछ स्कूल बनाए जा रहे हैं, ना कोई बेटर कॉलेजेस है। मेरे खुद के बच्चों को मैं बाहर पढ़ाती हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है। अगर हम वोट दे रहे हैं सरकार को तो हमें प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, हमें हमारा अधिकार चाहिए। और केंद्रीय यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, अगर वो बनती है तो ये सबके लिए फायदेमंद होगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी और बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पर चेंजेस के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत बहुत डेवलपमेंट बाकी है, बहुत सारा काम चाहिए ताकि हम यहाँ पर लगे कि 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। उनके बारे में तो मैं ऐसा बोलूंगी कि आप सोचते ही रह जाएंगे, जो महिलाएं हैं वो तो यहाँ इतनी पिछड़ी हुई है बिचारी कि उनको तो इतना हक ही नहीं पता है, उनके अधिकार ही नहीं पता है कि उनको बोलना क्या है। उनको तो जो जैसा पिछले जमाने में कुछला रखा गया था वो हाल आज भी है। अगर आप देखें तो महिलाएं अभी भी उतनी ही पिछड़ी हुई है, उनके मुँह में आवाज नहीं है, बोलने से डरती है। अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पर ज्यादा तो लोग मुझ पर भी उंगली उठा लेते हैं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके हालात क्या हो चुके हैं यहाँ पे, अगर देखें तो कानूनी हिसाब से काफी बदलाव है। तालीमी हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी काफी बैकवर्ड है, अभी भी लोग अपनी बच्चियों को उतना शिक्षा के लिए भेज नहीं पाते हैं। उनका भी डर सही है कि स्कूल दूर में होगा, जाने से कैसे होगा, गांव के अंदर ही होने से मुझे ज्यादा आसान होता। अगर गांव दूर है तो फिर बच्चे को जाने में दिक्कत होती है, पेरेंट्स भी घबराते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे भेजें। लेकिन सवाल वही है, आप ढूंढते हैं लेडी डॉक्टर दिखाने के लिए, लेडी डॉक्टर ढूंढते हैं तो बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं है, बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, स्कूल है ही नहीं हमारे पास।